हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, टुडे आवर सब्जेक्ट इज कंप्यूटर एंड दिस इज योर रिवीजन वर्कशीट. एज यू नो दैट आवर कंप्यूटर सिलेबस हैज फिनिश्ड. हमारा कंप्यूटर का सिलेबस जो है वो फिनिश हो गया है. नाउ आई विल गिव यू द रिवीजन वर्कशीट्स एंड यू विल रिवाइज दिस वर्कशीट to prepare for the examinations. Okay, so in the first worksheet of revision I gave you the question tick the correct answers. जो मैं students मैंने आपको ये tick the correct answers दिए हैं, ये आपके जो three chapters आपको exam में आने हैं उसी से related हैं और उन्हीं का mix करके मैंने आपको जो है उनमें से सारे तीनों चैप्टर्स में से मिक्स करके आपको मैंने टिक द राइट आंसर्स दिए हैं. ठीक है, आई होप कि आपने वो सारे चैप्टर्स को है जो है वो अच्छे से रिवाइज किया होगा घर में, और जो भी मैंने अभी तक आपको उसमें एक्सरसाइजेस करवाई हैं आपने वो भी बहुत अच्छे से लर्न की होंगी और उनको अच्छे से समझा होगा, तभी आप ये वाले टिक द करेक्ट आंसर घर में रिवाइज कर सकते हो और अपने आप कर सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई विल डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चंस एंड वी विल आंसर. आई विल आस्क यू द क्वेश्चंस एंड यू विल आंसर मी द क्वेश्चंस. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मशीन मेक अ वर्क. अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारे घर में डिफरेंट टाइप की जो है वो मशीन्स है, लाइक वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर ग्राइंडर. ओके, तो आपको पता है वो सारी मशीन्स जो हमारे घर में हैं उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, उनसे जो है हमारी जो मम्मा का जो काम है वो बहुत जल्दी हो जाता है. लाइक अगर वॉशिंग मशीन में मम्मा कपड़े धो रही हैं तो उससे क्या होगा कि वॉशिंग मशीन में कपड़े भी जल्दी से धो लेंगी मम्मा और उसके साथ साथ और काम भी हो जाएगा, तो मम्मा को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी. तो इससे पता चलता है कि जो जो मशीन्स हैं उनसे जो है हमारा वर्क जो है वो क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट होगा कि इजी हो जाएगा. गिव मी द आंसर. यस, इजी. तो जो इन मशीन्स का यूज़ करने से हमारा वर्क जो है वो इजी हो जाता है. ठीक है, इन सेम वे जब हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर भी जो है वो हमारे वर्क को बहुत इजी कर देता है, क्योंकि जो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस अगर हमें खुद अपने हाथ से करनी पड़ती हैं या अपने आप से करनी पड़ती हैं तो उनमें हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और बहुत जो है हमें थोड़ा प्रॉब्लम भी होती है, बट जो कंप्यूटर है उसको बहुत इजीली कर देता है. तो कंप्यूटर इज़ आल्सो अ मशीन. तो जब हम किसी भी मशीन का यूज़ करते हैं तो वो हमारे वर्क को क्या कर देती हैं, इजी. तो योर करेक्ट आंसर विल बी इजी. तो आप यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे इजी, ई ए एस वाई, इजी. ओके, नेक्स्ट इज कंप्यूटर यूज्ड इन स्कूल्स फॉर. अब आपको पता है आप स्कूल जाते हैं, आपने स्कूल में कंप्यूटर देखा है कि आपकी जो टीचर हैं वो कंप्यूटर का यूज़ किस लिए करती हैं, बताइए आप मुझे, प्लेइंग के लिए कि टीचिंग के लिए? गुड, टीचिंग के लिए. मतलब आपकी जो टीचर्स हैं वो आपको कंप्यूटर में पढ़ाती हैं, कंप्यूटर से पढ़ाती हैं, है ना. आपकी कंप्यूटर टीचर आपको कंप्यूटर लैब में ले जाती हैं, फिर उसमें आपको बताती हैं कि दिस इज़ कीबोर्ड, दिस इज़ मॉनिटर, दिस इज़ सीपीयू, दिस इज़ माउस, है ना. इस तरह से आपको डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताती हैं और फिर हम कंप्यूटर में क्या क्या वर्क कर सकते हैं वो बताती हैं. तो स्कूल्स में कंप्यूटर जो है वो किस लिए यूज़ होता है, फॉर टीचिंग, नॉट फॉर प्लेइंग. प्लेइंग के लिए हम प्लेग्राउंड में जाते हैं, ठीक है, बट स्कूल में जो है आप घर में कंप्यूटर को प्लेइंग के लिए, गेम्स प्ले करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट स्कूल में जो है वो सिर्फ कंप्यूटर किस लिए यूज़ होता है, टीचिंग के लिए. तो आपका करेक्ट आंसर होगा टीचिंग. ओके, नाउ डॉक्टर्स यूज़ कंप्यूटर्स इन. सो अब आपको सब पता है कि आपको पता है डॉक्टर्स कहाँ होते हैं, शॉप्स में? नो,
डॉक्टर्स आर इन हॉस्पिटल्स. गुड, डॉक्टर्स कहाँ होते हैं? हॉस्पिटल्स में. तो डॉक्टर्स कंप्यूटर का यूज़ कहाँ करेंगे फिर? यस, हॉस्पिटल्स, नॉट इन शॉप्स. डॉक्टर्स कंप्यूटर का यूज़ करेंगे हॉस्पिटल्स में, ठीक है? बिकॉज हॉस्पिटल इज़ देयर वर्क प्लेस. हॉस्पिटल ही वो जगह है जहाँ पर डॉक्टर्स काम करते हैं, ठीक है? डॉक्टर्स शॉप्स में काम नहीं करते हैं, डॉक्टर्स ऑफिसेज में काम नहीं करते हैं, डॉक्टर्स स्कूल्स में काम नहीं करते हैं, ठीक है? डॉक्टर्स जो वर्क करते हैं वो करते हैं हॉस्पिटल्स में. तो जहाँ पर उनका वर्क होता है कंप्यूटर भी वहीं पर यूज़ होगा, ठीक है? तो कंप्यूटर यूज़ होगा हॉस्पिटल्स में. ओके, सो नेक्स्ट इज मशीन वर्क्स वेरी डैश. मशीन्स कैसे वर्क करती हैं? स्लो और फास्ट. अगर मशीन्स स्लो वर्क करेंगी तो वो हमारे वर्क को इजी कैसे करेंगी? उससे तो जब हम खुद वर्क करेंगे तो ज़्यादा फास्ट करेंगे, है ना? बट मशीन्स जो हैं वो हमसे ज़्यादा फास्ट वर्क करती हैं, हमसे ज़्यादा तेज़ काम करती हैं. मतलब अगर हम किसी वर्क को करने के लिए 10 मिनट्स लेते हैं तो मशीन उस वर्क को करने के लिए सिर्फ 5 मिनट्स लेगी, ठीक है? तो मशीन का वर्क कैसा होगा? फास्ट. तभी तो वो कम टाइम लेगी हमसे, क्योंकि वो हमसे फास्ट वर्क करेगी. तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नंबर 2, बी, फास्ट. ओके, नेक्स्ट इज अ कार रन्स ऑन अ डैश. अब आप मुझे बताइए, कार्स जो हैं वो क्या, कार्स में हम क्या फील करते हैं जिससे वो चलती हैं? फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी, बताइए. आपने पेट्रोल पंप्स देखे हैं, पेट्रोल पंप्स, तो हम वहाँ पर क्या फील करवाने जाते हैं? फ्यूल. तो कार्स जो हैं वो किससे चलती हैं? फ्यूल से. ओके, करेक्ट आंसर विल बी फ्यूल. ओके, बट नाउ डेज देयर आर सम इलेक्ट्रिक कार्स ऑल्सो. आज के टाइम में कुछ इलेक्ट्रिक कार्स भी आ गई हैं, बट अभी इलेक्ट्रिक कार्स बहुत बहुत कम हैं. ज़्यादा जो है वो कार्स हमारी फ्यूल से ही चलती हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज अ मोनिटर लुक्स लाइक अ डैश. स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का रीडिंग करवाई थी तो मैंने आपको मॉनिटर दिखाया था. मॉनिटर किस तरह से होता है मैंने आपको वीडियो भी शो की थी. मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है वो किस तरह से लगती है, बताइए. यस, गुड, इट लुक्स लाइक अ टेलीविजन. इट लुक्स लाइक अ टेलीविजन. तो योर करेक्ट आंसर विल बी टेलीविजन. ओके, सो नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर इज अ वेरी डैश मशीन. कंप्यूटर इज अ वेरी डैश मशीन. कैसी मशीन है कंप्यूटर? डेंजरस और स्मार्ट. कंप्यूटर पर जब हम वर्क करते हैं तो आपको कुछ डर लगता है? डेंजरस लगती है कंप्यूटर की मशीन? नो. स्मार्ट? यस. स्मार्ट किस लिए? क्योंकि वो बड़ी क्विकली वर्क करती है और बहुत करेक्टली वर्क करती है. मतलब जो भी हम उससे वर्क करवाते हैं कंप्यूटर पे वो बिल्कुल करेक्ट होता है, बिल्कुल ठीक होता है और बहुत जल्दी हो जाता है. तो कंप्यूटर वर्क्स वेरी, मशीन वर्क्स वेरी स्मार्टली. स्मार्ट, ठीक है? नेक्स्ट, द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. जैसे हमारा ब्रेन है, मैंने आपको बताया था कंप्यूटर का भी एक ब्रेन होता है जिसमें कंप्यूटर जो है वो थिंक करता है कि हम मुझे सोचता है कि मुझे कौन सा काम किस तरह से करना है. तो कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है? माउस और सीपीयू. कौन सा है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग, सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग एंड यू फॉर यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो जो सीपीयू का ब्रेन है, सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. सो योर आंसर विल बी सीपीयू. नेक्स्ट, इट हैज़ 2 or 3 बटन्स. आपको पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में एक जो एक पार्ट है उस कंप्यूटर का, उसमें 2 or 3 बटन्स होते हैं. तो वो कौन सा पार्ट है? प्रिंटर और माउस. यस, टेल मी.
यस माउस, तो सो माउस हैव थ्री बटन, वन एट द लेफ्ट साइड एंड अदर वन इज द राइट साइड एंड वन इन द मिडल. ठीक है, एक लेफ्ट साइड में बटन होता है, दूसरा राइट साइड में और एक बीच में बटन होता है. तो माउस हैज टू और थ्री बटन्स. योर करेक्ट आंसर विल बी माउस. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द सम टिक द करेक्ट आंसर्स. रिवाइज एंड डू इट इन योर नोटबुक नीटली एंड लर्न इट एंड प्रैक्टिस इट डेली एट होम बिकॉज इट विल कम इन योर एग्जाम्स ऑल्सो. Okay, thank you and have a good day.